नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज किसी मास्टर प्लान को लेकर या किसी नई सड़क को लेकर नई अपडेट आप लोगों को नहीं देने वाले हैं। आज की अपडेट अपने मैं जीवन के जो संघर्ष यूट्यूब पर मैंने किया है, उस संघर्ष को लेकर आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ, काफ़ी बातें आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। जैसे स्टार्टिंग की बात करें, इसी यूट्यूब चैनल को जब मैंने शुरू करने की सोची थी आज से लगभग 2 से 2.5-3 साल पहले, हमें एक हॉरर चैनल बनाने का आइडिया आया था, भूतिया जगह पर जाना। वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, कुछ चैनल्स हैं जो रात के 12-1 बजे जाते हैं भूतिया जगह, जो बोलते हैं कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, उन जगहों पर हम जाते थे। हमने वहाँ 3-4 वीडियो बनाई। कुछ कारण थे जिनके कारण हम 4-5 से ज़्यादा वीडियो वहाँ पर नहीं बना पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमने काफ़ी और जगह भी काम किया। जैसे जर्नलिज्म का मेरा कोर्स चला हुआ था, लेकिन उस दौरान मेरे मन में ख्याल आया। ख्याल क्या था कि यूट्यूब का चैनल दोबारा से शुरू किया जाए। उसी यूट्यूब चैनल को जिस पर मेरे 700+ सब्सक्राइबर थे, उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी कभी बहादुरगढ़ में एक प्रॉपर्टी को लेकर। उस पर 18,000 व्यू भी आ चुके थे, लेकिन फिर भी 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है नए चैनल बनाने वालों के लिए। तो मेरे सामने भी सेम चैलेंज था, और उस चैलेंज को पार करने में हर आदमी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप ऐसे कीजिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन तब जब तक आप अच्छा कंटेंट किसी व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे, उससे रिलेटेड किसी चीज़ को नहीं दिखा पाएंगे, या कोई अच्छी जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे, तो कौन आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो गई थी, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और ख़ास तौर पर वे व्यक्ति जो बिल्कुल आपके घर परिवार के होते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल आपसे अटैच्ड होते हैं, वे आपकी ना तो वीडियो देखेंगे, ना ही वे आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और जानकार आदमी जिनसे आपकी थोड़ी बहुत बोलचाल होती है, उनमें से कुछ को छोड़कर ज़्यादातर आदमी आपके चैनल के प्रति भी ईर्ष्या भावना रखते हैं, ज़्यादा उससे हट कर रहते हैं। ऐसा सेम मुझे भी झेलना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे ऐसा पहली बार हुआ कि हरियाणा क्षेत्र से मैंने स्टार्टिंग की, मैंने मास्टर प्लान्स को दिखाना स्टार्ट किया, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया कि आपके क्षेत्र में क्या आएगा, प्रॉपर्टी के रेटों का पता लगा, प्रॉपर्टी के जो रेट जो कोड़ियों के भाव में आपकी ज़मीन जाती थी उसकी अहमियत के बारे में मैंने आप लोगों को बताने का काम किया। और उसका सेम बहुत ये लगा लें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। ऐसा रिस्पॉन्स शायद आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस रिस्पॉन्स को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन फिर भी संघर्ष कम नहीं हुआ था, क्योंकि चैनल में 1,000 सब्सक्राइबर मेरे क्रॉस हो चुके थे, लेकिन फिर एक एरर आ जाता है बीच में। जैसे कुछ होता है जो आपके समक्ष काम करते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं उनमें भी कुछ तकलीफें होती हैं, उनके साथ कई बार मनमुटाव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन भी मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ लगातार होती रही। लेकिन संघर्ष कभी हार नहीं मानता, वो ही संघर्ष मैंने किया, और आज मेरे लगभग 10,800 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वो भी आप लोगों की बदौलत। और ऐसे ही मेहनत करेंगे। इससे आज मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा के मास्टर प्लान हम बना रहे हैं, लेकिन आगे हरियाणा से हट के पूरे देश के मास्टर प्लान आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोग चैनल पर ऐसे ही प्रेम करते रहें, चैनल पर ऐसे ही प्रेम दिखाते रहें। अब बात करते हैं पहली अर्निंग कैसे आती है। तो लगातार संघर्ष बढ़ता गया, ऐसी ऐसी वीडियो हमने डाली जो एक वीडियो 2 से 2.5-2.5 हज़ार घंटे दे गई। आप समझ मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी मैंने वीडियो डाली थी स्टार्टिंग में, उस पर 1 घंटा भी मुश्किल से व्यू आया था, मतलब जो 4,000 घंटे का टारगेट होता है वो टारगेट 1,000 घंटे तक सीमित रह गया था। लेकिन 1-2 वीडियो ऐसी वायरल हुई, खासतौर पर मैं सबसे ज़्यादा सोनीपत के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माताएं बहनें, जो भी देख रहा है, छोटे बच्चे भी होंगे मुझसे,
तो उन सभी का पहले आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि सोनीपत से जितना प्रेम मेरे को मिला इतना और कहीं से नहीं मिला। हाँ, प्रेम बहुत जगह से मिला, पूरे हरियाणा से मिला है, दिल्ली तक का मिला है। दिल्ली के भी बहुत हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो देखते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है हमारी वीडियो देखने से, क्योंकि हम आज से पहले शायद किसी कोई मास्टर प्लान बताने वाला नहीं था, हम मास्टर प्लान बताते हैं। मास्टर प्लान एक टफ चैलेंज होता है लोगों को समझाने का। एक बार आप मास्टर प्लान मैप को दिखा दो, आप बारीकी से समझाने की कोशिश करोगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमने भी ऐसा ही किया और आप लोगों को समझ भी आ गया। जिसको समझ नहीं आ रहा, हम व्हाट्सएप नंबर है मेरे कुछ, देखो मैं एक ऐसी टीम है मेरी, मैं पैसे देने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग की बताऊंगा आपको कितनी आई है, क्योंकि इतना सामर्थ्य मेरा नहीं है कि मैं किसी को हायर कर सकूँ। एडिटिंग में भी मैं कई बार खुद करता हूँ, वीडियो मैं खुद बनाता हूँ। मेरे पीछे आपको शो हो रहा होगा, असल में यहाँ पर ग्रीन पर्दा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ग्रीन पर्दा कौन सा, जो फरश पर बिछाया जाता है वो ग्रीन पर्दा लगा रखा है मैंने वॉल पे, क्योंकि जो ग्रीन पर्दे का सेटअप आता है वो कई हज़ार का आता है और बजट इतना है नहीं। तो बजट को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है आप लोगों के लिए, इसी प्रेम के लिए जो आप लोगों ने हमें दिया। क्योंकि 11,500 मेरे को एक साल नहीं हुआ दोबारा से यूट्यूब पर, पहले मैंने संघर्ष किया था, बीच में मैंने संघर्ष किया, तीसरी बार मैं इस चैनल पर आया, तीसरी बार ये चैनल सफल हुआ। और जितना प्यार आपने दिया, 11,500 का जो मेरा परिवार है, इतने कम समय में इतना बड़ा परिवार इकट्ठा करना काफ़ी टफ चैलेंज था, लेकिन आप लोगों के प्रयास के बावजूद ये चैलेंज मैंने क्रॉस कर लिया। अब क्या आती है मुश्किल, कि सारा चीज़ पूरी हो गई, अब आता है कि कितने पैसे मिले। पैसे की बात ज़रूरी होती है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, मैं कहीं जाता हूँ, मैं पहले काफ़ी बाहर जाता था, लेकिन अब मैंने सोचा कि घर पे रह के मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं बाहर जाके इतना खर्चा करूँ। एक ड्रोन लेने की मेरी इच्छा थी कि मैं 70,000 रुपये का, मेरे को किसी ने सलाह दी कि 70,000 रुपये का एक ड्रोन ले लो, ड्रोन शॉर्ट्स वाले चैनल अच्छे चलते हैं। लेकिन ड्रोन का जब बजट ही ना हो तो ड्रोन मैं कैसे ले पाऊँगा। मैंने ड्रोन के लिए भी प्रयास किया, छोटे वाला ड्रोन का पूछा, बड़े वाले का पूछा, लेकिन ड्रोन नहीं है अभी मेरे अंदर इतनी क्षमता कि मैं ड्रोन इतनी जल्दी ले पाऊँ। हाँ, आप लोगों का प्यार प्रेम जब बढ़ता रहेगा तो एक दिन ड्रोन भी हासिल कर लेंगे, और ड्रोन के माध्यम से आपको फुटेज भी दिखाते रहेंगे। कभी ऐसा समय आएगा, उम्मीद मेरे को भी है और उम्मीद आपको भी है कि मैं कर सकता हूँ। तो चैलेंज की बात करते हैं, कैसे कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कहीं कंपनी में जाता है, 10,000-12,000 रुपये नॉर्मली ले लेता है। इस चैनल से मुझे इतना नहीं मिला, कितना मिला यूट्यूब पर मेरी एक पेमेंट की बात करें तो एक पेमेंट आई, उस पेमेंट का अगर जिक्र मैं बारीकी से करूं तो एक, आप समझ लीजिए एक मोबाइल ले सकते हैं आप, ज़्यादा सस्ता नहीं और ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा महंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1,50,000 की मैं बात नहीं कर रहा। आप एक फ़ोन ले सकते हैं सामान्य सा, जिसके अंदर 3/32 का स्पेस हो, 2GB 32 रैम रोम 232 का स्पेस हो, इतना फ़ोन ले सकते हैं, इतनी मेरी पेमेंट आई, आप समझ सकते हैं। और बात करें पेमेंट की, अगर बात करते हैं सीधे सीधे शब्दों में, अगर देखो क्लियर बताने का शायद है कोई कराटे है, मेरे को आज तक नहीं पता कि यूट्यूब पे अपनी पेमेंट क्लियर बता सकते हैं नहीं, लेकिन हाँ ऐसी इतनी पेमेंट आई है कि लगभग एक साधारण सा सिक्योरिटी गार्ड कितने पैसे ले सकता है एक महीने के, उतनी पेमेंट मेरी 3 महीने की आई है, समझ लीजिए। मतलब अगर कोई लेता है सामान्य से, थोड़े बहुत ले लेता है, जो बिल्कुल डाउन वाला जो होता है ना, वो जितने लेता है उतने मेरे 3 महीने में आए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने आए हैं। लेकिन वो आए हैं आपके संघर्ष की बदौलत। आज तक एक साल हमारे परिवार को हो जाएगा, 2-3 महीने बाद उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो प्यार प्रेम आज तक आप लोगों ने दिया वो बहुत ज़्यादा दिया, और आप लोगों की बदौलत पहली पेमेंट मैं हासिल कर चुका हूँ, 10,500 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। लेकिन चैलेंज अभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि चैलेंज लगातार बढ़ता रहता है। चैलेंज का ऐसा होता है कि आप कोशिश करते रहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लेकिन आपको लगातार ज़िंदगी नीचे डाउन करती जाती है, फिर भी आपको उठते रहना है। क्योंकि अगर मैं एक बार बीच में मेरे मन में आइडिया आया था कि मैं चैनल से कुछ नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि मेरा खर्चा ही नहीं निकल रहा, तो मैं और कुछ कर लेता हूँ, चैनल छोड़ देता हूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार की बदौलत आज तक मैंने चैनल नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ देंगे, क्योंकि हौसला ही हमें आगे बढ़ाने का हौसला देता है, और वो भी आपकी बदौलत। आप कमेंट करते हैं, राय देते हैं, और आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ अगर चैनल में फॉल्ट लगता है कि ये कमी मैं गलत कर रहा हूं, ऐसे मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो आप ज़रूर बताएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ पाए। लगातार मैंने प्रयास किया कि समझाता रहूँ। अब आज हरियाणा तक सीमित है, सब्सक्राइबर हमारे हरियाणा कुछ दिल्ली तक सीमित हैं, कुछ पंजाब के भी हैं, थोड़े बहुत मेरे साथी, लेकिन जल्द ऑल इंडिया में सबसे बड़ा हमारा यूट्यूब चैनल होगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। अब बात आती है कि कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि कितने आदमी आपके साथ काम करते हैं। भाई साथ में काम करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लोग काम करते हैं तो आपके ऐसे कुछ साथी होते हैं, मैं कैमरा किसी को भी मेरे साथ में रहते हैं उनको पकड़ा देता हूँ कि भाई कैमरा पकड़, वो पकड़ लेते हैं, कोई पैसा नहीं देता मैं, क्योंकि मेरे को खुद इतने पैसे मेरे पास नहीं आते, मेरा चैनल कहीं मिलियनों में व्यू भी नहीं जाते, मेरे जाते हैं कुछ लिमिटेड, लेकिन वो लिमिटेड वाले इतने समझ जाते हैं कि बहुत फ़ायदा होता है। अब मैंने कल कोई वीडियो बनाई थी, उस पर व्यू मुश्किल से 1000-1200 हो गए, लेकिन वो जो 1200 लोगों ने देखे ना, वो उनके फ़ायदे की चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, ज़मीन का ऐसा होता है कि पता नहीं लग पाता कि कौन मालिक है। वो वीडियो मैंने बनाई, शायद आज से पहले किसी ने नहीं बनाई, क्योंकि कोई आपको जानकारी नहीं देगा, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने की सोचेंगे, लेकिन हम जब आपको देते हैं तो आपको बिल्कुल मुफ्त में रहता है। सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें, यही हम करते हैं। लेकिन चैलेंजेज की बात है तो पहली पेमेंट आ चुकी है, आप सबके संघर्ष से आ चुकी है, और आप ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो काफ़ी जल्द हम आगे बढ़ेंगे, और इतने बड़े बड़े गैजेट्स के साथ आपको समझाएंगे कि आप बोलेंगे वाह क्या कर दिया। आपने देखा होगा बड़े बड़े समझाने वाले होते हैं, ऐसे स्क्रीन होती है पीछे, स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमारा इतना अभी नहीं है कि हम पीछे स्क्रीन चलाएं, ऐसे मैं पेंसिल रखूं और आपको बताता रहूं ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से इरेज कर दूं, अभी हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी जल्द हो जाएगा अगर आप साथ देते रहेंगे तो। तो आप सभी से आज अपने चैनल के बारे में बताना प्रयास था, क्योंकि आप सभी हमारी फैमिली हैं, और फैमिली को बताना पहला प्राथमिकता होती है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि आपको बताऊं, लेकिन आज मेरा जैसे मूड बिल्कुल सेंटर में था, आप लोगों को उसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को बताने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए आप लोगों को ये सब मैं आज बता रहा हूँ। और इसको बताने के पीछे का कारण खाली यही है कि आप हमारे परिवार हैं, और परिवार को बताना हमारी प्राथमिकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि कोई नया वीडियो देख रहा है अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ताकि हम आज आपको स्टार्टिंग में हमने पेपर पे समझाया, आपको कुछ स्क्रीन है उनकी मदद से समझा रहे हैं, फ्यूचर में यहाँ भी समझा सकते हैं, ड्रोन होगा तो आपको ड्रोन शॉर्ट्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ होगा तो आपकी बदौलत ही हो पाएगा। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने बारे में बताएं कि हमारा चैनल कैसे काम कर रहा है, और मेरे लिए कोई ख़ास संदेश अगर आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप सभी से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।